तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कर दिया है अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 195 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश के लिए 24 सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी ने उतार दिए हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए 11 की 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी की 24 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान गुना से बीजेपी ने उतार दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को, विदिशा शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है बीजेपी ने। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 195 उम्मीदवारों में से 28 सीटों पर महिला प्रत्याशी उतारे हैं बीजेपी ने। महिला शक्ति को यहां जगह देते हुए छत्तीसगढ़ के सरगुजा से चिंतामणि महाराज को, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया उम्मीदवारों के नाम आपको बता रहे हैं। जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े, कोरबा से सरोज पांडे को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर, 195 पहली लिस्ट बीजेपी की, मुरैना से शिवमंगल तोमर, सतना से गणेश सिंह, शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से, उनकी विधानसभा सीट बुधनी विदिशा में ही आती है। भोपाल से आलोक शर्मा पूर्व मेयर हैं। खजुराहो से प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा रिपीट किए गए हैं और गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज को टिकट मिला है। बड़ी खबर, केबी यादव का पत्ता कटा सिंधिया मैदान में। सतना से गणेश सिंह, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और 195 उम्मीदवारों में से 24 मध्य प्रदेश के लिए, तो 5 सीटें होल्ड कर दी गई है जिसमें छिंदवाड़ा का भी नाम है जो होल्ड की गई है बीजेपी की ओर से। फिलहाल तो 6 सीटों पर चेहरे बदले गए हैं। कौन इन कौन आउट, रमाकांत भार्गव आउट हुए भोपाल से, साधी प्रज्ञा आउट, आलोक शर्मा इन। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह आतिशबाजी यहां पर हो रही है बीजेपी के लिए। छत्तीसगढ़ में 3 महिलाओं को टिकट दिया गया है, रूप कुमारी चौधरी, सरोज पांडे, कमलेश जांगड़े। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट पर ये फूल माला लेकर पहुंचे हैं, उनका अभिनंदन करते हुए यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर तरफ बीजेपी कार्यकर्ता गदगद। जिन उम्मीदवारों के नाम अनाउंस किए गए हैं उनके समर्थकों में खुशी की लहर, अलग अलग रिएक्शन भी आना शुरू हो गए हैं। और यहाँ एक तरह से साइकोलॉजिकल एज बीजेपी ने सियासी पारी में ले ली है। मोदी की ललकार, मोदी की ललकार। तो भिंड से संध्या राय को रिपीट किया है बीजेपी ने, देखिए खजुराहो से वीडी शर्मा रिपीट हुए हैं। कार्यकर्ता उत्सव मना रहे हैं, गदगद है यहाँ पर, खासकर उनके समर्थक जिनके नामों की घोषणा आज की इस लिस्ट में हो गई है। हमारी टीवी स्क्रीन को बड़े गौर से देखिए, न्यूज 18 ने जो खबर आपको दिखाई उस पर मुहर लगी है। एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है हमारे साथ, डॉक्टर प्रेम व्यास है, बीजेपी प्रवक्ता है, अवनीश बुंदेला है, कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं, रविंद्र दुबे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही हमारे साथ ये तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं और कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल प्रेम व्यास जी आपसे है, 195 उम्मीदवार के नाम आउट कर दिया आज आपकी पार्टी ने। पुराने सांसद से जो शिकायत थी वो इससे नहीं रहेगी लोगों को, ये सारे विषय ठीक है। अच्छा, सुनील चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुनील चौधरी जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? सुनील चौधरी जी, पॉलिटिकल एज लेने में आपने यहाँ पर आप आगे निकल गए हैं कांग्रेस से। जी नमस्कार, राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने आज 195 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। कांग्रेस 195 सीटों पर लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी इस बात पर भी संशय है। इनके जो पैतृक सीट कहा जाए उसको छोड़ करके श्रीमती सोनिया गांधी जी राज्यसभा के रास्ते चली गई हैं। वायनाड से राहुल गांधी जी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे या अमेठी से लड़ेंगे कुछ पता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो पूरी ताकत के साथ तैयार बैठा है।
आप देखेंगे कि भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से इस बार हम फिर एक बार मोदी सरकार का नारा जो है उसको लेकर के उतरे हैं और बनाएंगे। अब की बार 400 पार का नारा है, अब की बार 400 पार होने वाला है। तो देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को कमल पुष्प के द्वारा भगवान श्री राम का श्रृंगार करने का अवसर प्रदान करने वाली है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय कर दी है। अब 11 कमल पुष्प है, हमारी 3 उसमें मात्र शक्ति चुनाव लड़ रही है। हमारी श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी वो लड़ रही है, कमलेश जांगड़े जी लड़ रही हैं, हमारी दीदी सरोज पांडे जी लड़ रही हैं। तो 33% आरक्षण की जो बात हम करते हैं कि नारी वंदन अधिनियम जो हमने लाया था वो भी हमने छत्तीसगढ़ में लागू करके दिखाया है। हमने यहाँ पर 33% आरक्षण का पालन लगभग किया है और भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी के दम पर लगातार हम अपने काम को कर रहे हैं। हमने कहा था कि हम किसानों को जो है वो एक मुश्त राशि देंगे धान की छत्तीसगढ़ में, तो 12 तारीख को हम अंतर की राशि 917 रुपए देने वाले हैं। भतारी वंदन योजना 1000 रुपए प्रति माह जो है महिलाओं को मिलेगा, बहनों को मिलेगा, 8 तारीख से वो पैसा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार मोदी की गारंटी जो है वो पूरी करते जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को ढूंढे प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, छत्तीसगढ़ के पास कांग्रेस में कोई प्रत्याशी बचा ही नहीं है और यही स्थिति देश के अंदर में भी है। देश के अंदर में कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी है ही नहीं, कोई लड़ना ही नहीं चाहता। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जो है वो सच होता नजर आ रहा है। मोदी जी की लहर चल रही है, आधी चल रही है। मोदी जी जो है इस बार पूर्ण बहुमत से फिर इस बार आने वाले हैं और हम हमारे जो बचे हुए काम है, धारा 370 हमने समाप्त किया, 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी को इस बार जनता देगी, ऐसा आशीर्वाद हम चाहते हैं। अच्छा, अवनीश मुंदेला जी, छत्तीसगढ़ के लिए 11 की 11 सीटें, मध्य प्रदेश के लिए 24 सीटें, इंतजार करते रह गए कांग्रेसी, जिन क्योंकि कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता कह रहे थे कि हफ्तों पहले हमने भेज दिया है पैनल का नाम। देखिए एक बात समझें यहाँ पर अपना जी, ये आज जैसे आप देखें कोई आचार संहिता लागू नहीं हुई है। आप विधानसभा के चुनाव में भी देखें, उन्होंने 2 महीने 3 महीने पहले प्रत्याशी घोषित किए थे। लेकिन कई सारी बातें ऐसी भी होती हैं, जैसे अगर हम वचन पत्र की बात करें तो हमने बीजेपी से 1 महीने पहले घोषित किया था। तो ये देखिए प्रक्रिया है। और आज हम तो ये कहते हैं हमारी भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व आज मध्य प्रदेश की भूमि पर प्रवेश करी है। और जहाँ तक बात है देखिए पैनल की बनाने की, तो हमारे यहाँ भी लगभग एक राय बन चुकी है। और आप देखें अगले 4-5 दिन में हम भी अपनी एक सूची घोषित करें। हमने बहुत पहले कहा कि हमारी भी एक सूची आने वाली है। लेकिन मैं भी सुन रहा था व्यास जी को, देखिए अच्छा है आपने प्रत्याशी घोषित किए, और अच्छा होता कि व्यास जी अपनी उपलब्धियां गिनाते, काम गिनाते। हाँ सुनिए, मुझे पहले प्रेम व्यास जी का नाम लिया गया था, इसलिए प्रेम व्यास जी बोल रहा हूँ। हाँ तो अगर आप लास्ट मिनट पे चेंज कर देंगे तो मुझे नहीं मालूम। लास्ट मिनट पे चेंज नहीं किया सर। नहीं नहीं, सुनील चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं लेकिन प्रेम व्यास जी जुड़ नहीं पाए हैं। मेरे जी जी क्षमा चाहता हूँ। चलिए मैं कोई बात नहीं, मैं अभी बस चौधरी साहब से मैं वही कह रहा हूँ जी। ठीक, मुझे जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो मैं वही कहना चाहूंगा चौधरी साहब अभी बड़ी तेजी में सीधा आके, मतलब अच्छा होता है अपनी उपलब्धियां गिनाते, सीधा आके आप हम पर प्रहार कर गए। साहब आप सत्ता में हैं 10 साल से पूरे देश में, और जो मोदी जी ने जो वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा, 15 लाख का वादा, और पता नहीं कितने वादे, हुआ इसका उल्टा। 20 रुपये लीटर पेट्रोल बांटने निकले थे, पता पड़ा पेट्रोल 125 के आसपास पहुंच गया। और आप कहते थे कि हम एक रोजगार को नई धारा देंगे, औद्योगिकरण को एक नई धारा, हुआ क्या, उद्योग बंद हो गए कई सारे, इन्हीं के छत्तीसगढ़ के कई सारे PSUs बंद हो गए। आप देखें ट्रेनें बिक गई, स्टेशन बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, एयरपोर्ट अडानी के पास चले गए। तो ये बताता है कि सबसे पहले अच्छा होता महाराज चौधरी जी कि आप अपनी उपलब्धियां गिनाते। बाकी हाँ जो अभी टिकटॉक में, सबसे पहले तो देखिए एक सकारात्मक रूप से मैं सभी को बधाई दूंगा जिन जिनके नाम टिकट में घोषित हुए हैं। ठीक है, राजनीति करते रहते हैं लेकिन मैं जिनके आज नाम आए उनको बधाई देता हूँ, खासकर मध्य प्रदेश के। लेकिन अपन्ना जी मेरा एक सवाल है, फग्गन सिंह कुलस्ते हों या गणेश सिंह जी हों, आप जब आपको लगा ये सांसद के रूप में उपयोगी नहीं थे तभी आपने इनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया, सांसद से इस्तीफा देके, अब दोबारा आपको इनके उतारने का क्या मतलब है? ये बताता है कि जो पार्टी बार बार कहती है एक निशान एक देश, एक चुनाव एक देश, एक कर एक देश, वो पार्टी कहने का मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से झूठ बोलती है, जनता को भ्रमित करती। अगर ऐसा होता आप हमेशा उपचुनाव को बढ़ावा देने वाले। सिंधिया जी की बात करूं,
भैया राज्यसभा में है, ठीक है आपने लड़ा, कोई दिक्कत नहीं, सिंधिया जी की पुरानी सीटें देखी इस बार क्या होता है। तो मैं वही बताना चाहता हूं, भाजपा अपने आप में खुद कंफ्यूज है और ये कह रहे हैं मोदी जी का डंका बज रहा है, तूफान चल रहा है, लहर चल रही, हवा चल रही। अगर इतनी भयंकर लहर होती साहब चौधरी साहब, तो आवश्यकता नहीं पड़ती कि विपक्ष के नेताओं के यहाँ तोड़फोड़ करने की, हिमाचल में तोड़फोड़ करने की, बिहार में तोड़फोड़ करने की, ईडी सीबीआई को उनके पीछे लगाने की, हेमंत सोरेन मतलब सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की। एक दिन पहले मोदी जी कह के जाते हैं कि अजीत दादा चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, और अगले दिन अजीत पवार जिनके ऊपर 16,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप खुद मोदी जी ने लगाया, वो आपकी पार्टी में आते डिप्टी सीएम बन जाते। यही हाल प्रफुल्ल पटेल का है, यही हाल छगन भुजबल का है। जब हमारी सरकार थी छगन भुजबल जी 28 महीने जेल में रहे और आपकी सरकार में आपने पुरस्कृत कर दिया, और ये कईयों की कहानी है। तो आप सबसे पहले साहब उपलब्धियां गिनाए, लेकिन मुझे मालूम है भाजपा के पास उपलब्धियों के नाम पर अंडा है, जीरो है, इनके पास कुछ नहीं है। इनके नाम पर जब भी आप उपलब्धियों की बात करेंगे तो ये भगवान का नाम लेकर कहीं ना कहीं भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, ये झूठ खोखले राष्ट्रवाद की बात करेंगे। अरे साहब आप बताएं आपके समय में आपने क्या विकास किए? हमारे पास कहने को है कि हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और आपने उन्हीं बैंकों को बेच दिया। हमारे पास कहने को है कि हमने बीएचईएल जैसे संस्थान स्थापित किए, आपने उनको बेच दिया। हमारे पास कहने को है कि हमने एलआईसी जैसे संस्थान स्थापित किए जिनकी आपने 65% शेयर होल्डिंग बेच दी। हमारे पास कहने को है कि 60 साल में विकास करते देश पर सिर्फ 23 लाख करोड़ का कर्जा था और मोदी जी ने 174 लाख करोड़ के कर्जे में देश के नाखून, हर आदमी के नाखून तक को गिरवी रख दिया। यह बताता है कि इनके पास कोई उपलब्धियां नहीं। अपना जी ठीक है, सारी बातें करते हैं, बाकी टिकट होंगे, आएंगे जाएंगे, हमारे भी टिकट आएंगे, लेकिन मैं समझता हूं सबसे पहले आज के दिन लगता है अगर ये अपनी उपलब्धियां लेकर आते तो अच्छा होता। और मैं तो फिर एक बार, मैं फिर एक बार बधाई देता हूं सबको। डॉक्टर प्रेम व्यास जी बीजेपी के प्रवक्ता है, वो जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास आप देर से जुड़े हैं, लेकिन देखिए तमाम आरोप लगा दिए हैं यहाँ पर शुभकामनाओं के साथ जिन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने की है। कांग्रेस के प्रवक्ता है उपाध्यक्ष अभिष बुंदेला जी, उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस ने सब कुछ दिया इस देश को, बीजेपी की सरकार क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही है। जब भी बात होती है मुद्दों की तो कभी धर्म के नाम पर, कभी भगवान के नाम पर गुमराह करते रहते हैं बस। देखिए दो चीजें हैं, ना तो नेता है, ना नीति है, ना निर्णय है और ना नियत है, ये चारों चीजें नहीं है। अब जिसके पास ये चारों चीजें नहीं हो वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का ही कार्य करेगा ना। आप देखिए मन मेला तन उजरो, बगले जैसा भेष, और सबसे तो काक बोला अंदर बाहर एक। अब बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। आप देखिए पंजाब में अगर जाते हैं तो वहां पर कांग्रेस की नेता विधानसभा में विरोध कर देते हैं आप पार्टी का, और उसके बाद में जब दिल्ली में आते हैं तो एक साथ अटगेविया करते हैं। जब बंगाल में जाते हैं तो ममता दीदी 18 सीटों के अलावा मना कर देती है। उसके बाद में जब राहुल जी नीतीश जी के यहाँ पहुंचते हैं तो वे अलग हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में जब आते हैं पिछले विधानसभा चुनाव में तो 21 विधानसभाओं से निकलते हैं और इतना चमत्कृत नेतृत्व है कि 17 विधानसभा सीटें हार जाते हैं। तो भैया ये चमत्कृत नेतृत्व के कारण है। अब देखिए वाई नॉट से अभी वहां के दूसरा नाम प्रदर्शित कर दिया गया और उसके बाद में अभी खुद ही का नाम तय नहीं है और वही लिस्ट कहां से हो जाएगी? ना तो नेता था है, ना नीति था, ना निर्णय था। दूसरा इन्होंने कहा विकास की बात। अब विकास की बात को दृष्टिगोचर रखते हुए कांग्रेस तो सुनना ही नहीं चाहती। मैंने पूर्व से कहा है कि आईएमएफ के डाटा को कोट करते हुए आज परचेसिंग पावर पैराडाइज में भारत की परिस्थिति देखिए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत की परिस्थिति देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भारत की परिस्थिति देखिए, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम प्रथम प्रदेश है, प्रथम देश है। उसके बाद में ग्रीन एनर्जी जो हमने टारगेट रखा था 2026 का, उसको हम 2024 में अचीव कर लेते हैं। पीएम आवास योजना, जनधन खाते, आयुष्मान कार्ड, स्वरोजगार के लिए 22 लाख करोड़ रुपया, 37 किलोमीटर प्रति दे रोड, 11 करोड़ ईपीएफओ खाते हुआ करते थे, आज 27 करोड़ है। तो विकास भी हमने भरपूर करा है, सांस्कृतिक विकास भी करा है, लेकिन चूंकि कांग्रेस के पास मैंने कहा ना, ना नेता है, ना नीति है, ना रे। और दूसरा बहुत अच्छी बात है, ये करते क्या है, ये पत्रकार को जात पूछकर मारने का कार्य करते हैं। कौन सी जात का है?
कौन सी जात का है, इसको मारिए। और उसके बाद में पिछड़ों की कभी बात कर रहे हैं, अगड़ों की बात कर रहे हैं, वही पीडीए उत्तर प्रदेश में फेल हो जाता है, कितने पीडीए को ये लड़ाते हैं। तो ये सर्वविदित है, जैसा ये कर रहे हैं जनता देख रही है, वही हम विकास पथ पर अग्रसर है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, बुंदेला जी एक छोटा सा कमेंट फिर जा रही दुबे जी के पास, छोटा सा जवाब आपका। हेलो दुबे जी, आऊंगी आपके पास, आ रही हूं, एक मिनट दीजिए मुझे। बुंदेला जी एक जवाब आपकी तरफ से। अपर्णा जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आपने सुना डॉक्टर प्रेम व्यास को अवनीश बुंदेला जी? जी सुना मैंने प्रेम व्यास जी। जी आप जवाब देना चाहेंगे कुछ? बिल्कुल 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 जी बोलिए। देखिए भाजपा का जो विकास है अपर्णा जी, वो इस तरह का है कि सिर्फ भाजपा को लगता है विकास हो रहा है। बेसिकली इन्होंने विकास सिर्फ इस देश के गिने चुने कुछ परिवारों का किया, उद्योगपतियों का किया है। अभी इन्होंने कहा नेता नियत नीति। मैं कहता हूं साहब, अगर इतनी बात है तो आप क्यों हमारे नेता का नाम लेते हैं? अगर आपको लगता है राहुल जी या कोई भी नेता में ताकत नहीं है, आप हमेशा आप कांग्रेस मुक्त की भारत की बात करते हो, बल्कि हम तो कहते हैं भाजपा युक्त बीजेपी हो चुकी, मतलब कांग्रेस युक्त बीजेपी हो चुकी है। आप देखें पिछले 10 साल में मोदी जी के काल में 400 से ज्यादा कई दलों के विधायकों को आपने अपनी पार्टी की जगह दी, तो आपकी नीति और नियत क्या है? मतलब आपके ना तो संगठन है ना आपका कैडर है। मध्य प्रदेश की बात करूं, 28 जो विधायक थे उन्होंने एक झटके में जब आपके आए तो आपने अपने जो सिटिंग 28 नेता थे उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। और देश के इतिहास में शायद ये पहला चुनाव हुआ था उपचुनाव कि जहां 16 सिटिंग मंत्री लेकिन जो विधायक पूर्व थे उनने चुनाव लड़ा। तो ये बताता है भाजपा की सारी जो चीजें हैं, सारी जो बातें हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से हैं। और आपका जो विकास है, कुछ इस तरह का विकास किया होता तो आज 85 करोड़ लोगों को भूख से मरने से बचाने के लिए आपको उनको 5 किलो अनाज नहीं देना पड़ता। हमारे समय में आप देखो, आप जिस बात की बात करते हैं ना, आपके समय में आज भी फेक डेटा है। आप देखें किसान परेशान है कि जिन किसानों को आप खालिस्तानी कहते थे आपने इन पर गोलियां बरसाई थी और बाद में थैंक यू मोदी जी बोला, आज फिर वो किसान आया फिर आप उस पर गोलियां बरसा रहे हो। तो क्या है आपकी नीति और क्या है आपका नियत? जो व्यक्ति आपकी पार्टी नीति और नियत उस पर बाद करेंगे आगे भी डॉक्टर व्यास को बोलना चाह रहे हैं। बड़ी बात तो आप मुझे बताएं, सबसे मैं सवाल सर रविंद्र दुबे से ले लूं, मुझे एक बात का एक सवाल जी रविंद्र दुबे जी, ये बताइए कि जब जहां पर बीजेपी क्लियरली कह रही है कि 58% से लेकर अब 70% टारगेट अचीव करना है, 400 पार का नारा एनडीए की ओर से दिया गया है, और ऐसे वक्त में अगर कांग्रेस ये कह रही है कि नाम तो हमारे भी तैयार है, बस कभी भी लिस्ट हमारी भी आ जाएगी, लेकिन बीजेपी का पहले नाम अनाउंस करना क्या उसे एक एज दिला रहा है? देखिए नाम पहले घोषित होना, यदि 195 सीटों पर बढ़त पहले नाम घोषित कर देने, इसी थोड़ा सा बढ़त तो मिलती है, चेहरे क्लियर करने का आपको मिलता है। देखिए बीजेपी के पास संगठन है, संसाधन है और तमाम सरकार है उसके पास, प्रदेश में सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तो इसका असर तो उसको फायदा मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा। यदि 195 सीटें उसने घोषित कर दी है तो उन राज्यों में जरूर उसे अच्छा फायदा मिलेगा जहां वो विपक्ष में है, जिस तरीके से गैर भाजपा शासित राज्य है वहां उसको ज्यादा फायदा मिलेगा, लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा। देखिए लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और 15 दिनों में या एक माह में पहुंचने की स्थितियां नहीं रहती हैं। हर प्रत्याशी को लगभग 5 से 8 विधानसभा में पहुंचना रहता है। तो देखिए जब आपको तो 20 लाख वोटर है एक विधानसभा में, यदि उन सॉरी लोकसभा में, तो यदि उन तक पहुंच प्रत्याशियों को पहुंचना है या उन तक अपनी बात पहुंचाना है तो उसे लगातार काम करना पड़ेगा। और देखिए कार्यकर्ताओं को पास भी पहुंचना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। लगभग 5,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है बूथ लेवल पे काम करने के लिए, उनसे सामंजस्य बैठाना प्रत्याशी का सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो जिसके पास कैडर है वो तो काम करने लगेगा। कांग्रेस का संगठन है जरूर लेकिन वो उतना मजबूत नहीं है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के पास वो संगठन नहीं है। देखिए प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश में बन गए लेकिन वो बॉडी घोषित नहीं कर पाए, कई जिलों में भी अभी बॉडी नहीं बन पाई है। तो जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन जरूर कमजोर है। अब उनके राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, चुनाव के समय में राहुल यात्रा कर रहे हैं जबकि दिल्ली में बैठ के होना थी, सीटों पर बंटवारे पर बहस होना थी, नीति बनना चाहिए, क्या घोषणा पत्र होगा, किन मुद्दों पर कैसे बहस की जाएगी, किन बातों पर बहस की जाएगी,
उसमें पूरी पार्टी अभी न्याय यात्रा में लगी हुई है, 2 तारीख से 6 तारीख तक मध्य प्रदेश में रहेगी। यही और सवाल तो मेरा भी था ना कि राहुल गांधी पांच जोड़ों न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उन कांग्रेसियों को न्याय कब मिलेगा जो टिकट की बाट जो रहे हैं। अवनीश बुंदेला जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर व्यास आप ही की बात पर कुछ कहना चाह रहे थे, उनका कमेंट ऐड कर लेते हैं। जी डॉक्टर व्यास, देखिए इन्होंने कुछ चीजों का यहाँ पर जिक्र करा, तो लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं, और उसके बाद में इन्होंने कहा गरीबी इंडेक्स, वो उस गरीबी इंडेक्स में भारत को पाकिस्तान से नीचे प्रदर्शित किया है। मतलब गरीबी इंडेक्स बनाने वाले की मानसिकता पर मेरे को तरस आता है। श्रीलंका पर जहां पर गोलियां चल रही है राशन के लिए, उस इंडेक्स में भारत को उसके नीचे प्रदर्शित किया गया है। अब किस मानसिकता के लोग होंगे वो। दूसरा, इन्होंने कहा हमको राशन देना पड़ रहा है। भैया राशन देना नहीं पड़ रहा है, जिन लोगों को हमने बहुआयामी गरीबी से मुक्त करा है, आज ऐसे लोगों का कंजप्शन रेट 41% बढ़ चुका है, वे बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं और मेन स्ट्रीम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अरे बोलने दीजिए बुंदेला जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। निश्चित रूप से उसमें आवास की व्यवस्था हमने करी है, निश्चित रूप से राशन की व्यवस्था करी है, निश्चित रूप से शौचालयों की व्यवस्था करी है, जनधन खातों से जोड़ा गया है। उसके बाद में परिपक्वता के साथ में मैंने कहा है पुनः, कंजप्शन रेट्स बढ़ाया गया है, परिपक्वता बढ़ाई गई है, उनके अंदर संबल सरकार ने प्रदर्शित करा है कि आपके साथ में आज एक ऐसी सरकार खड़ी है जो आपके मध्य में आकर अपनी योजनाएं आपको देने का कार्य करती है। ये वो सरकार नहीं है जो दिल्ली में खड़े होकर कहती थी कि मैं 1 रुपया भेजती हूं तो 10 पैसे ही पहुंच पाता है, 90 पैसे उड़ जाता है। आज वो सरकार नहीं है जो कहती है कि महंगाई तो जो है मानसिक बीमारी है और जो पैसे है वो पेड़ पे नहीं लगते। आज वो सरकार नहीं है। बुंदेला जी बोलना चाह रहे हैं। जी बुंदेला जी। अपर्णा जी देखिए, मेरे जो मित्र व्यास जी कह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं एक उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या हंगर इंडेक्स कांग्रेस बनाती है? इन्होंने अभी आरोप लगाए हम पर के ऐसी मानसिकता कि हमको श्रीलंका से नीचे, भाई किसने बनाया हंगर इंडेक्स? हंगर इंडेक्स जारी करने वाले जो देश है, जो संस्था, उससे बात करिए, आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, ये बताता है कि आप नकारात्मकता के भाव से भरे हुए, पहली बात। और सबसे बड़ी बात अपर्णा जी, हमने ये देखा कि इनके बनाए हुए पुल बह जाते हैं, इनकी बनाई हुई सड़कें बनते बनते बह जाती, एक बारिश नहीं झेल पाती। कारम बांध इनके नाम पर बहुत बड़ा कलंक है, और हमारे बनाए हुए बांध कई सारे इस प्रदेश में देख लें, सरदार सरोवर बांध देख लें, इंदिरा सागर कई देख लें, आप देख लें देश में, आप देख लें भांगड़ा नंगल बांध देख लें। तो मेरे कहने का मतलब है कि भाजपा का जो विकास है अपर्णा जी, वो सिर्फ भाजपा को समझ में आता है, जिसके लिए विकास। आप बताएं अग्निवीर को आप क्या मानेंगे? आप मतलब 4 साल में युवाओं को रिटायर्ड कर रहे हैं, अगर हम आज ये मुद्दे लेकर जा रहे हैं तो क्या गलत है? अग्नि आप बताएं, खुद इस देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड एक बहुत बड़ा संगठित घोटाला है। किसने किया? इन्होंने किया। ऐसे कई सारे काम, आप मुझे चंडीगढ़ में लोकतंत्र को लूटने का काम किसने किया? ये सब मैं नहीं कह रहा, ये टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि इस तरह की एजेंसी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का इस तरह से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और यह निरंतर दुरुपयोग हो रहा है। और हम तो साफ कहते हैं रोजगार के लिए आपने क्या कहा, क्या किया? अभी ये कह रहे थे 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर किया है, और 85 को आप खाना दे रहे हो, तो भैया देश की आबादी तो 140 ही करोड़ है ना, तो भैया क्या सारे गरीब थे? आप मुझे बताएं, 2014 के पहले तक तो आप देखें रोजगार दर बढ़िया थी, आज की तारीख में सबसे बदतर हालात हैं 60 साल में रोजगार के। मतलब खुद 3 करोड़ रोजगार, 3 करोड़ नौकरियां आज की तारीख में खाली हैं, सरकारी नौकरियां ये भर नहीं पा रहे। मध्य प्रदेश की ही बात करूं, 4 जुलाई 2023 को शिवराज जी ने कहा था कि संविदा कल्चर आज से खत्म कर रहा हूं, अभी भी संविदा कर्मी सड़कों पर है, संविदा कल्चर पास, झूठे वादे करने वाली भाजपा है। 1 लाख गृह विभाग में पद खाली हैं, और 1 लाख शिक्षा, 1.25 लाख शिक्षा विभाग में पद खाली हैं, और इसके अलावा 6 साल से सब इंस्पेक्टरों की नियुक्तियां नहीं हुई, कानून व्यवस्था की स्थिति कहां से अच्छी रहेगी? सिपाहियों की भर्तियां बंद है 6-7 साल से, मुझे आप बताएं। देश में सबसे कम ग्रामीण बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश के बाद झारखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़, ये कुछ दिखा रहे हैं आर्टिकल। डॉक्टर व्यास रुक जाइए, देखिए बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। सुनील चौधरी जी जुड़े हुए हैं, वो डेटा दे रहा हूँ, मैं तो वो डेटा दे रहा हूँ जो सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार जारी करती है, मैं वो दे बताती है आपके मध्य क्या 2.5 लाख, क्या 2.5 लाख ये बताएं संविदा कर्मियों का, और दिखा दें आर्टिकल क्या कहा था संविदा कर्मी, उसका आर्टिकल दिखा दें भैया। ठीक है आऊंगी आपके पास, 4 जुलाई कहा था ना, एक मिनट ठीक है, आपके जवाब के लिए मैं जाऊंगी डॉक्टर व्यास के पास। लेकिन सुनील चौधरी जी,
जरा एक बार बताइए, छत्तीसगढ़ में चाहे विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो, कंधा सिर्फ ब्रिजमोहन अग्रवाल का ही मिलता है क्या बीजेपी वालों को? नहीं, देखिए ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के शेर हैं, बोलने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पास है कौन? अरे जरा दम है तो आ जाओ, मैं तो रायपुर से कहता हूँ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेता। अरे यहाँ अकेला बैठा कांग्रेसी, दो प्रवक्ता बीजेपी के, कांग्रेस का दम बहुत है। अरे चौधरी साहब दम इतनी है कि दो प्रवक्ता बीजेपी का अकेला, ये अपर्णा जी मुझे ऐसे ही बिठालती हैं। अरे तीन लोगों से अकेले लड़ रहा है कांग्रेस का प्रवक्ता, तो दम की बात मत करो। दम बहुत है, अंग्रेजों से लड़े हम, अंग्रेजों से लड़ रहे हैं हम, ये संगी चड्डीधारियों से लड़ने डरने वाले नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, सब लोग अंग्रेजों से लड़े, चिंता मत करिए हम, इसके लिए चड्डीधारियों से डरने वाले नहीं है, इसके लिए देशभक्ति होनी चाहिए। आप चड्डी दो हैं बीजेपी के, कांग्रेस का एक है, बताओ जनता देख रही है। राम मंदिर अनिल भाई प्रेम व्यास जी कांग्रेस का एक है, किसमें दम ज्यादा है बता दें, दम किसमें ज्यादा है मुझे बताएं। दुबे जी आप बता दें, पत्कार महोदय हम अकेले हैं, आप दो हैं, हिम्मत है तो बराबरी का मुकाबला करें। और परना भी जी भी आपकी की तरफ बोलती है, ये बताता है कि बीजेपी हमेशा भागती है। हमें तो साफ बता दें, दो शांत हो जाइए, ठीक है, बस सारी बात बताएं, ओवरलैप कर रहे हैं आप सब एक दूसरे को, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। रविंद्र दुबे जी, आपने पूरी लिस्ट देखी होगी एमपी और छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में, अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लग रहा है, जिनके पत्ते कटे हैं और जिनकी एंट्री हुई है, कितना फायदेमंद बीजेपी के लिए यहां पर रहेगा? हम बात करें एमपी की, और यहां पर महिला शक्ति को आगे बढ़ाना, पहचाना है बीजेपी ने महिला शक्ति की ताकत को भी। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को ज्यादा टिकट दी, 24 में से मेरे ख्याल से 4 महिलाओं को उन्होंने टिकट दी है, और जिस तरीके से जो टिकट वितरण हुआ है उसमें एक सामंजस्य बैठाने की गई है कि नए चेहरों को आगे किया गया, युवा चेहरे लाए गए हैं, जातिगत समीकरण बैठाने की बात की गई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा सा प्लस में जाएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार 2013 में, 2019 में दो सीटें कांग्रेस ने जीती थी, और पिछली बार 2019 में एक सीट जीती थी कांग्रेस ने। टारगेट बना, भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट बना रखा है कि इस बार खाता नहीं खोलने देंगे, तो इस तैयारी के लिए कांग्रेस को भी थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सारे 100% पक्ष भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें नेक टू नेक फाइट थी, वोटों का यदि अंतर देखें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बड़ी मुश्किल से 50 लाख वोटों का अंतर है। अब ये देखिए राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं और राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, यदि इन बातों को लेकर चलेंगे तो कई सीटें ऐसी है जो 5% से कम वोटों से, ऐसी 7 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी 5% से कम वोटों से जीती थी 2019 में, जबकि पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक का राष्ट्रवाद का मुद्दा था, उसके बाद अब नया मुद्दा है राम मंदिर का मुद्दा है, तो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 20 साल का राज्य का एंटी इनकम्बेंसी है, क्या कांग्रेस इसको भुना पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, यदि कांग्रेस का कैडर इसको भुना पाएगा तो बीजेपी को टक्कर दे पाएगा, नहीं तो इस बार कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाएगा मध्य प्रदेश में। एक और सवाल सर, इससे पहले मैं आगे जाऊं आप ही की बात को लेकर, क्या आपको लगता है जब दूसरी पार्टी टिकट अनाउंस कर देती है तो उसके बाद अभी जो अभी की जो सिचुएशन है, कांग्रेस क्या जिन नामों को फाइनल कर चुकी होगी लेकिन बीजेपी की लिस्ट को देखकर क्या वो बदलेगी या विचार करेगी आगे? इस वक्त चल क्या रहा होगा कांग्रेस के, अगर हम माइंड की बात करें, इस माइंड गेम की बात की जाए तो? देखिए माइंड गेम के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी के साथ, पूरी गणना करने के बाद, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद टिकट सीटें डिक्लेयर की हैं। अब कांग्रेस ने जो पैनल बनाए तो उसमें मामूली फेरबदल हो सकता है कि जहां मान के चलिए सवर्ण के सामने सवर्ण प्रत्याशी ना देना पड़े या महिला के सामने महिला प्रत्याशी ना देना पड़े, तो जो जातिगत समीकरण है उसको साधने के लिए कांग्रेस नए समीकरण को का मौका कांग्रेस को मिल सकता है, ये सुनिश्चित बात है। देखिए जिस तरीके से जातिगत गणना जनगणना की बात राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, उसी बात को काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 195 में से 57 ओबीसी को टिकट दिया है, तो कांग्रेस भी लगभग इसी तरीके से
से बात करेगी, कांग्रेस भी देखेगी कहां सवर्ण को दिया जा सकता है, कहां ओबीसी को दिया जा सकता है, कहां महिला को दिया जा सकता है। तो जातिगत फैक्टर साधने के लिए कांग्रेस को भी वही पैंतरे अपनाने पड़ेंगे जो सामने वाले ने किया। देखिए सामने वाला संसाधन में आपसे संपन्न है, सामने वाला आपसे संगठन में संपन्न है, तो आपको इस जातिगत समीकरणों को साध कर ही आप अपना उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं या अपना संघर्ष जारी कर सकते हैं। राजनीति में जो देखते हैं लगातार चुनाव में जीत हार लगी रहती है, ऐसा नहीं कि दो चुनाव या तीन चुनाव हारने के बाद पार्टियां खत्म हो जाती है। लगातार 70 साल विपक्ष ने संघर्ष किया, तब आज जाके 89 के बाद विपक्ष को सत्ता हासिल होना हुई थी, 74 में पहली बार हुई थी, उसके बाद 89 के बाद उन्होंने स्वाद चखना चालू किया था कि सरकार कैसे बनती है 89 के बाद से। तो हम देखेंगे कि जब लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, देखिए विपक्ष ने लगातार मेहनत की है, भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की है, तो उसको आज उसका फल मिल रहा है। अब कांग्रेस को भी लगातार संघर्ष करना पड़ेगा और अपनी उपस्थिति लगातार संगठन के साथ साथ समर्थक जो लोग हैं उनकी अनुकूल अनुशासन में रखकर यदि काम करेगी तो उसे भी सफलता मिलेगी, सुनिश्चित है। राजनीति में लंबा समय लंबा होता है, 5 साल का चुनाव होता है, उसे संघर्ष करना पड़ेगा जी। अवनीश बुंदेला जी, जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस करती है, लेकिन जातिगत जनगणना को ही ध्यान में रखते हुए, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपनी लिस्ट में पूरा बैलेंस बनाकर आपकी पार्टी को जवाब दिया है। देखिए मैं तो रंजन जी आश्चर्य कर रहा हूँ, दुबे जी ने तो निर्णय कर दिया कि हमको हो सकता है मध्य प्रदेश में कोई सीट ना मिले, जबकि खुद भाजपा का ही सर्वे बता रहा है कि कांग्रेस 4 से 5 सीटें जीतने जा रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हम मध्य प्रदेश में 14 से 15 सीटें जीतेंगे। अगर इतना अच्छा काम किया होता तो मध्य प्रदेश में इनको 6 टिकट काटने नहीं पड़ते पूरे। आप देखो सर, कम से कम कहने के लिए बोल दीजिए कि 29 की 29 जीतेंगे ना सर, जमीन पर काम कर रहा है कार्यकर्ता, उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। देखिए रंजना जी, रंजना ऐसे अपना सर अपना, लेकिन हाँ हमको इतना ऐसे बदला लेंगे आप उससे कि हम 12 अरे 14 से 15 सीटें हम आराम से, अरे बदला आपसे क्या लेंगे अपना जी, कैसी बात कर रहे हैं आप, क्षमा चाहूँगा, 14 से 15 सीटें हम जरूर जीतेंगे मध्य प्रदेश में। और भारतीय जनता पार्टी ने, आप मुझे बताएं, गुना में केपी यादव जिन्होंने सिंधिया जी को हराया था, अब आपने फिर सिंधिया जी को वहाँ की जनता पर, मतलब आप मुझे बताएं, जिस जनता ने ज्योतिराज सिंधिया को नकार दिया था और जिस नेता ने हराया था आपने फिर दोबारा उनके सर पे, उस जनता के सर पे उसी हारी हुई प्रत्याशी को थोप दिया, तो ये बताएं ऐसा क्यों होता है? क्या है? इसका कारण ये केपी यादव ने सिंधिया जी को मंदबुद्धि कहा था कि, या फिर निरंतर उनके बीच सीट युद्ध चल रहा था? ये कई सारे सवाल हैं, इनमें जाएंगे तो मुझे लगता काफ़ी देर हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा चुनाव हमेशा मुद्दों पर हों, विकास पर हों, बेरोजगारी, किसानों के हित पर हों, महिला सुरक्षा के ऊपर हों, इन्हीं के ऊपर मैं कह रहा हूँ। जैसे आज जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश की है, हम यही सारे मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और हमारे यही मुद्दे हैं। भाजपा चाहे कोई मुद्दे लेकर आए, हमारे मुद्दे फिर भी आप देखेंगे बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार, जो अभी हाल ही में बैतूल में एक आदिवासी को उल्टा लटका कर नंगा करके पीटा है, ये मध्य प्रदेश में निरंतर इसकी बार बार रिपीटेशन हो रहा है। आप देखें आदिवासी के मुंह पर पेशाब भी भाजपा के नेताओं ने किया, ये बताता है कि ये सारे मुद्दे हैं राजनीति के। भाजपा लेकिन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाती है, वो अपने मुद्दे लाती है, कुछ भी हो, लेकिन हम इन्हीं मुद्दों पर अड़े रह के अपना जी चुनाव लड़ेंगे जी। डॉक्टर व्यास, देखिए किस तरह से बातों को घुमाया जाता है और प्रेषित करता है, ये मेरे मित्र से आप बहुत अच्छी तरह से समझ लिए। अब अगर प्रश्न राहुल जी का करते हैं तो ये केपी यादव जी की बात करते हैं। भैया केपी यादव जी किस पार्टी में है? अभी भारतीय जनता पार्टी में है। दूसरा, आपके लक्ष्मण सिंह जी क्या बयान दे रहे हैं दिग्विजय सिंह साहब के लिए कि मंटा ढा रहे वो, तो अरे ये बताओ केपी यादव ने सिंधिया को हराया था, आपने दोबारा सिंधिया को वहां की जनता, अरे मुझे यही तो आपका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, अरे व्यास जी आपकी प्रवृत्ति है, जब आपके पास तथ्यों का तर्कों का जवाब नहीं होता तो बीच में साहब हमारे पास पूरे तथ्य हैं, आपके पास पूरे तथ्य हैं व्यास जी, चिंता मत, मैं आपको सुन रहा था, मैं चाहता तो बीच में जवाब दे देता, अरे बोलो बोलो बोलो, अरे मत, अरे रोइए मत, राम मंदिर पे हुआ था, सुनिए अब सुनिए, मैं एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ, शायद दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। मोहन कात्रे जी जब सीबीआई के सर्वे सर्वा थे, उस समय पर जितनी भी रेट्स होती थी, लगभग राहुल गांधी, राजीव गांधी जी उस समय सर्वे सर्वा थे, लगभग 26 FIR सिर्फ विपक्षी दलों पर होती थी। रामनाथ गोयनका की प्रेस में छापेमारी हुई, उस समय किसकी सरकार थी? सीबीआई और ईडी के द्वारा किसके यहां छापे? 2013 में एक टीवी चैनल ने मात्र अहमद पटेल जी ने जिस तरह से हसन गफूर उनको कमिश्नर बनाया और उसके बाद मुंबई में अटैक हुआ और उनने सिर्फ न्यूज दिखा दी, इतने में ही संपादकीय पद छीन लिया गया। तो किस तरह से आपने पूर्व में कृत्य करे, जैसे आप पूर्व का ब्यौरा दे रहे थे और अभी का ब्यौरा यह है कि आप मुझे बताइए कि स्टेलिन की पार्टी क्यों नहीं टूट रही भैया?
उसके बाद में तेजस्वी यादव की पार्टी क्यों नहीं टूट रही भैया, काहे नहीं टूट रही? हमारे ऊपर जब आरोप प्रत्यारोप हुए थे, जिस तरह से हमारे गृह मंत्री जी को 2 महीने के लिए जेल भेज दिया गया था, और जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से घंटों दिल्ली बुलाकर पूछताछ की जाती थी, हमारे कार्यकर्ता तो नहीं टूटते थे? ना तो आपको नेतृत्व पर विश्वास है, ना नीति पर विश्वास है, ना कार्यों पर विश्वास है। दूसरी तरफ से हम जिस तरह से कार्य कर रहे हैं आज सुरक्षा की दृष्टि में, आप देखिए स्वनिर्मित हथियारों की एक श्रृंखला बना चुके हैं। कश्मीर में लगभग 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है और वहां पर 51% पर्यटक बढ़ा दिया गया है। जिस तरह से 1 लाख स्टार्टअप्स का निर्माण हुआ है, आज भारत सशक्तता के साथ में आगे बढ़ा है। इन्होंने 1 लाख से चित, इन्होंने कहा कि हमने 25 करोड़ का आंकड़ा कहां से दिया? भैया मनमोहन सिंह साहब जिस IMF के लिए कार्य करते थे, ये डाटा वहीं से निकल कर आया है। अब आपका डाटा कहां से आया है इसको तो जनता पूर्व में नकार चुकी है। आपने कहा कि अत्याचार होते थे, निश्चित रूप से हमने कार्रवाई की है। फास्ट कोर्ट का निर्माण हुआ है और लगभग 56 ऐसे केस है जिसमें मृत्यु दंड की सजा तक तय की गई है। अब आप मुझे बताइए कि जिस तरह से संदेश खली में अभी वारदात हुई है, कांग्रेस का एक आधिकारिक बयान बता दीजिए, जिस तरह से पूर्व में आप बयान देते थे, राजस्थान में प्रतापगढ़ की घटना को लेके एक आधिकारिक बयान बता दीजिए, जवाहरराम नगर के घटना के ऊपर एक बयान बता दीजिए, डिंडोरी की घटना मध्य प्रदेश में एक बयान बता दीजिए। डॉक्टर व्यास, अभी अवनीश बुंदेला जी नहीं है हमारे साथ, एक और कांग्रेस के जो प्रवक्ता जल्दी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, लेकिन मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर दुबे जी आपका रुख करना चाहूंगी। अगर थोड़ा सा हम छत्तीसगढ़ की बात भी कर लेते हैं, यहाँ पर 11 की 11 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। 9 सीटें पिछली बार थी और इस बार नजर 11 की 11 सीटों पर है। जो विधानसभा में रिजल्ट आया वो अप्रत्याशित था खुद बीजेपी के लिए भी, लोकसभा चुनाव में भी इस तरह के करिश्मे की उम्मीद? दुबे जी आपसे सवाल था मेरा, ये मेरे से सवाल है ये? जी दुबे जी, हाँ हाँ, अपर्णा जी, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने 11 की 11 टिकट डिक्लेयर की है, ये उसके लिए फायदे की गणित हो सकता है कि देखिए पिछली बार जरूर कांग्रेस ने वहां 2 सीटें हासिल की थी और 9 भारतीय जनता पार्टी ने की थी। भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट वहां पर भी रखा कि 11 सीटों पर जीत हासिल करेगी, तो देखिए वहां उनका संगठन लगातार काम कर रहा है और लगातार इस तरीके से उन्होंने जीती हुई बाजी कांग्रेस से छीनी हुई, कांग्रेस विधान छत्तीसगढ़ को जीता हुआ मानकर चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस जीत को छीन लिया है और उनका इसके पीछे एक रणनीति है, जो संगठन काम करता है, जिस चुनावी रणनीति को लेकर आगे बढ़ता है, वो कांग्रेस में इस चीज की थोड़ा सा कमी देखने को मिलती है। देखिए वहां पर अभी भी गुटबाजी है, भूपेश बघेल और सिंहदेव के बीच में अभी भी तकरार चल रही है और गुटबाजी की वजह से ही ये उनको उनकी सत्ता गंवाना पड़ी, तो और अभी भी वहां एका नहीं दिख रहा। भूपेश बघेल जरूर अभी भी सक्रिय है लेकिन बाकी की पार्टी के भीतर अभी उतना मजबूती नहीं दिख रही है। यदि वहां इतना संगठन मजबूत होता तो यदि उन्होंने पैनल बनाए हैं तो 11 लोगों को काम करने का मौका मिलता, विधानसभा में क्षेत्र बाहर जाकर वो काम करते, लेकिन वहां भी अभी पार्टी उतनी तरीके से सक्रिय नहीं दिख रही है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और विधानसभा चुनाव के साथ ही उन्होंने लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी थी। कांग्रेस को अभी थोड़ा सा मैदान में उतरना पड़ेगा तभी उसे बहुत कुछ हासिल हो सकता है। देखिए अभी कांग्रेस का संगठन उतना सक्रिय नहीं है मैदान में जितना भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। अपर्णा जी, तो कांग्रेस सक्रिय नहीं है और ना ही सच को स्वीकारती नजर भी आ रही है। तमाम जो हम सवाल करते हैं उनको भी यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता है किस तरह से लेते हैं वो तो हम लगातार देख ही रहे हैं। खैर, जैसे ही कोई कांग्रेस का मेहमान जुड़ता है मैं उनसे सवाल पूछूंगी, लेकिन यहाँ पर सुनील चौधरी जी सवाल ये उठ रहा है कि इस बार जो आदिवासी क्षेत्र रहे हैं बस्तर के, खासकर बात की नक्सल जो प्रभावित क्षेत्र रहे हैं, वहां से बीजेपी को अथाह प्यार मिला, वोट भी बहुत अच्छे खासे मिले, उम्मीद के लोकसभा चुनाव में भी आप लोग यही कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी, हमारे घोषणा पत्र को हमने कहा था मोदी की गारंटी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश दिया। पिछली बार 2018 के चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो 68 सीट, 90 में से 68 सीट कांग्रेस के पास थी और कांग्रेस उस समय अधिकतम सीट 11 में से 2 जीत पाई थी और हमने 9 सीटों पर विजय श्री हासिल की। हमने अभी तक अधिकतम 10 सीटें जीती हैं, 1 सीट पर हम हार गए थे, तो अधिकतम हमारी 10 है और कांग्रेस की अधिकतम 2 है।
और आज भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय जनप्रिय सरकार है। हम लगातार मोदी की गारंटी में जो वादा किए थे 18 लाख पीएम आवास का, उस वादे को हम पूरा करें, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हस्ताक्षर कर दिया। हमने वादा किया था कि हमारा मुख्यमंत्री अपने आवास पर नहीं जाएगा जब तक 18 लाख आवास पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, और सबसे पहला काम वही किया गया। हमने धान का जो समर्थन मूल्य है, हमने कहा कि हम 3100 रुपए में लेंगे और 21 क्विंटल प्रति एकड़ लेंगे। हम लिए उसको, धान का पूरा समर्थन मूल्य जो है वो तो मिला, लेकिन अंतर की जो राशि 917 रुपए है वो 12 तारीख को, 12 मार्च को हम दे रहे हैं। 2 साल के धान का बोनस बकाया था जो हमारी सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार उस समय का, उसको भी हमने 25 दिसंबर सुशासन दिवस के दिन में हमने दे दिया। पीएससी का मामला है, भ्रष्टाचार का बड़ा मामला था, उस पर भी सीबीआई जांच की व्यवस्था हमारी सरकार ने कर दी। इसी प्रकार महतारी वंदन योजना से लेकर के आप देखेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में 10,000 रुपए वार्षिक सहायता जो राशि है वो दिया जाना है। तेंदुपत्ता के हमारे जो संग्राहक है उनको 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा जो है भुगतान का वो निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार से शासकीय जो योजनाएं हमारी है उसके मॉनिटरिंग के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का जो है वो उनकी स्थापना की गई है। पारदर्शी तरीके से सारी चीजों की मॉनिटरिंग की जाएगी और जनता के पास स्पष्ट रूप से बातें जाएंगी। तो हम कुल मिलाकर के है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो किया, हमने जो जो मोदी की गारंटी में वादे किए थे उस वादे पे हम 100% खरे उतर रहे हैं। अब संगठन की व्यवस्था के अंतर्गत मैं आपसे बताना चाहता हूं, हमारे 11 के 11 लोकसभा के चुनाव कार्यालय खुल चुके हैं, हमने खोल लिए। हमने विधानसभा स्तर पर भी लोकसभा चुनाव के कार्यालय खोल लिए, हमारे बूथों की बैठक हो गई, हमारे शक्ति केंद्रों की बैठक हो गई, हमारे मंडल स्तर पर समितियां गठित हो गई। हम लाभार्थियों के बीच में जा रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा जो कैडर है वो जमीन में उतर करके काम कर रहा है। और कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस भ्रष्टाचार करके छत्तीसगढ़ को लूटी है, ये गांधी परिवार में ले जाकर के छत्तीसगढ़ की गाढ़ी कमाई को अर्पित कर दिए थे। अब वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो भाग रहे इधर से उधर, सारे लोग जेल जा रहे हैं। इनके खिलाफ बड़े बड़े सब कुछ गाड़ियों में भर भर के लोग निकल रहे हैं। आप देखेंगे 40,000 पन्ने, 1.5 लाख पन्ने, इतने सबूत इनके खिलाफ निकल रहे हैं। इनके मंत्री जो थे वो बड़े बड़ी जमीनों पर कब्जा कर लिए, आपको विश्वास नहीं होगा, सरकारी जमीन पर कब्जा करके सरकार के 3 करोड़ 3.5 करोड़ के इन्होंने बंगले अवैध रूप से बनाए और उसमें 60 AC कहीं 100 AC लगाए और वहां ऐशो आराम का सारा साधन जुटाया। जनता तो ये देखती है ना बातों को, जनता तो सब देख ही रही है, देख भी रही है, सुन भी रही है और समझ भी रही है। दुबे जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर विधानसभा चुनाव जहां जहां होते हैं वहां भी प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बीजेपी आगे करती है, खुद मोदी बोल चुके हैं कि गारंटी, मोदी की गारंटी पर गारंटी, तो अब तो लोकसभा चुनाव है, जाहिर तौर पर यहां भी जो मोहर लगेगी वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लगेगी। देखिए, जिन विधानसभा राज्यों में, ऐसा नहीं कि ये हम इस चुनाव की बात करें, हम 2014 की बात करें या 2019 की बात करें, विधानसभा में जिन क्षेत्रों में कांग्रेस जीती थी, और यदि मान के चलिए उसके विधायक 20 से 25,000 वोट से जीता है, लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव 2014 में आया था तो उसे वहां पर 50,000 की लीड हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की, यानी कांग्रेस की 25,000 की लीड तो वहां घटी की घटी और ऊपर 50,000 की लीड हो गई। लगभग यही स्थिति और बढ़ गई थी जब 2019 में लगभग यही हुआ कि कहीं 60,000 की कहीं 70,000 की लीड हो गई थी और कांग्रेस की लीड वहां लोकसभा चुनाव में घट जाती। अब देखो 2024 में भी जिन सीटों में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं वहां पर भी लगभग यही स्थिति यदि होती है तो कांग्रेस को बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ेगा उन क्षेत्रों में। देखिए 162 सीटें विधानसभा की जीती है तो ये मोदी के नाम पर जीती गई है, बोला गया था मोदी फैक्टर है, मोदी की गारंटी है, विधानसभा चारों राज्यों में यदि बात की थी भारतीय जनता पार्टी ने तो वहां उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया था, मोदी के नाम पर ले लेते हैं। और 163 सीटें यहाँ जीती छत्तीसगढ़। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी सर आपके साथ भी और दूसरे मेहमानों के साथ भी, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटते हैं फिर हम, एक ब्रेक।